तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। आज का जो शो था वो हेल इन अ सेल की आफ्टर मैथ थी और साथ के साथ सर्वाइवर सीरीज की बिल्ड की शुरुआत थी और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन WWE आज के शो में दे देगी ये बात मुझे जो है वो पता नहीं थी। और अच्छी बात है कि ऑलरेडी हमको काफ़ी मैचेस पता लग चुके हैं उस शो के लिए और बेसिक थीम जो रहेगी इस बार सर्वाइवर सीरीज की वो चैंपियन वर्सेस चैंपियन रहेगी और NXT का दूर दूर तक मुझे कोई नाम नहीं दिख रहा है तो वो एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ होगी कुछ फैंस के लिए, लेकिन ये चीज़ आज हमें जानने को मिली। तो क्या बड़े मैचेस अनाउंस किए गए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और मंडे नाइट रॉ में हमें और भी कई सारी आज चीज़ें देखने को मिली उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड तक देखते रहें और मैं आपको बताऊंगा कि आज का शो मुझे कैसा लगा। अब ड्रू मैकइंटायर करते हैं शो की शुरुआत और वो बाहर आके बात करते हैं कि वो अपनी चैंपियनशिप तो हार गए लेकिन फ्यूचर में एक दिन फिर से ऐसा आएगा जब वो अपनी चैंपियनशिप को वापस जीत लेंगे और उनकी आंखें जो है हमेशा चैंपियन के ऊपर रहने वाली हैं। तो यहाँ पे इनको मिस और मॉरिसन करते हैं इंटरप्ट और मिस आके याद दिलाते हैं सबको कि साल 2010 में वो मनी इन द बैंक विनर थे, रैंडी ऑर्टन WWE चैंपियन थे और यहीं ऑरलैंडो में उन्होंने कैश इन करा था ऑर्टन के ऊपर टू बिकम द WWE चैंपियन। और मिस यहाँ पे मैकइंटायर को कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम भी आज चैंपियन होते तो हम यहाँ पे दो बंदे हैं, तुम अकेले हो, मैं अभी के अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करता और बन जाता नया WWE चैंपियन। तो मिस यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं मैकइंटायर को जो उन्हें शायद पसंद नहीं आई और वो ग्लासगो के हेडबट से उनको अटैक करते हैं और मॉरिसन को भी अटैक कर देते हैं। तो इन तीनों के बीच में एक छोटी सी हमें ब्रॉल देखने को मिलती है शो के स्टार्ट में। अब इसके बाद सर्वाइवर सीरीज के क्वालिफाइंग मैचेस हमें देखने को मिले, जो चीज मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि भाई ऐसे ही नहीं कि बस पांच बंदों की टीम बना दी और हो गया सर्वाइवर सीरीज का मैच, बंदों को क्वालिफिकेशंस की जरूरत है और आज हमें रॉ के ऊपर वही देखने को मिला। तो जो पहला मैच था वो था AJ स्टाइल्स अगेंस्ट जेफ हार्डी। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो मैचेस आज हमें देखने को मिले उनमें से कीथ ली और इलायस एक मैच था जो कि ठीक मैच है क्वालिफिकेशन के लिए, एक मैच था AJ स्टाइल्स जेफ हार्डी का और दूसरा था शेमस और मैट रिडल का। और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ क्या ये चारों बंदों को ही टीम में नहीं होना चाहिए, मतलब ये काइंड ऑफ वैसी सिचुएशन हो गई कि जो हारा उसी का नुकसान है और हम नहीं देखना चाहते इन चारों सुपरस्टार्स को हारता हुआ। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, लेकिन मैच जो हमें देखने को मिला हार्डी और स्टाइल्स के बीच में वो एक अच्छा मैच था। AJ स्टाइल्स जीत गए सरप्राइजिंगली, तो जेफ हार्डी यहाँ पे हारे और मैच के बाद इलायस उनको अटैक कर देते हैं पीछे से गिटार से और जेफ हार्डी एक बार जो है वो फिर से नीचे गिर जाते हैं। तो काइंड ऑफ इलायस ने यहाँ पे बदला ले लिया अपना हेल इन अ सेल के पेपरव्यू में, लेकिन दूसरी तरफ AJ स्टाइल्स हैं जो कि आके बोलते हैं मैच से पहले कि मेरे को अपने आप को प्रूव भी क्यों करना पड़ रहा है कि मेरे को एक क्वालिफिकेशन मैच के थ्रू जाना पड़ रहा है, मेरे को वैसी टीम में होना चाहिए और यहाँ पे उन्होंने अपना स्पॉट जो है वो हासिल कर लिया है। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच जहाँ पे लूचा हाउस पार्टी लड़ती है ड्रू गोलैक और अकीरा टोजावा की टीम से और ये मैच क्यों हो रहा है आई डोंट नो, लेकिन आर ट्रूथ जो है वो कहते हैं कि भाई मैं तो मैच में रिंग साइड चले जाऊंगा जबकि मेरे पास 24/7 चैंपियनशिप है, मुझे पता है सारे लोग मुझे चेस करेंगे तब भी मैं बाहर जाऊंगा। और एक बहुत ही बड़ा लूप होल था इस मैच के अंदर, जब आर ट्रूथ बाहर आए उन्होंने अकीरा टोजावा को अटैक करा और रेफरी जो है उसने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कॉल नहीं करा और मैं सोच रहा हूँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि 24/7 चैंपियनशिप के रूल्स हैं एनी टाइम एनीवेयर, लेकिन यहाँ पे अकीरा टोजावा ने आर ट्रूथ को अटैक नहीं बल्कि आर ट्रूथ ने अकीरा टोजावा को अटैक करा है जो कि एक टैग टीम मैच की इंटरप्शन है और DQ होना चाहिए था। आई डोंट नो ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, लेकिन गाइस यहाँ पे पूरी केओस हो गई, आपस में लड़े जा रहे हैं, सारे आर ट्रूथ को पिन करने की कोशिश कर रहे हैं और एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि लूचा हाउस पार्टी यहाँ पे मैच भी जीत जाती है और आर ट्रूथ सबके पिन पे किकआउट करके जो है वहाँ से भाग जाते हैं और उनको यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप भी रिटेन करने का मौका मिला, वो हारे नहीं है अपना टाइटल और ये पूरी केओस भी हमें देखने को मिली, कुछ भी यहाँ पे मतलब का तो खास था नहीं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है फायरफ्लाई फनहाउस की सेगमेंट ब्रे वायत और अलेक्सा ब्लिस के साथ। तो ब्रे वायत यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं टी पार्टी चल रही है और रैम्बलिन रैबिट बैठे हुए हैं यहाँ पे और उसके बाद अलेक्सा ब्लिस आती है चाय लेके, वो रैबिट को चाय पिलाती हैं और रैबिट जो है काइंड ऑफ हमें मर जाता है क्योंकि अलेक्सा ब्लिस ने उसमें आर्सेनिक मिला दिया था और आर्सेनिक यानी कि जहर मिला दिया था काइंड ऑफ, जिसकी वजह से रैम्बलिन रैबिट मर जाता है और अलेक्सा ब्लिस और ब्रे वायत इस बात को देख के हंसते हैं और उसके बाद ब्रे वायत आंखों पे हाथ रखते हैं अलेक्सा ब्लिस की और जब वो हटाते हैं तो अलेक्सा ब्लिस की आंखें पूरी लाल हो रखी हैं और वो कहती हैं लेट मी इन और वो बताती हैं कि किस तरीके से आज मोमेंट ऑफ ब्लिस के शो पे जो है वो रैंडी ऑर्टन गेस्ट होने वाले हैं और वहाँ पे जो है रैंडी ऑर्टन को फील्ड से मुलाकात करनी पड़ सकती है और ये चीज़ आज इस फायरफ्लाई फनहाउस का पार्ट थी। अब मैं कह सकता हूँ कि अलेक्सा ब्लिस और ब्रे वायत की जो केमिस्ट्री है काफ़ी अच्छी लग रही है और डेफिनेटली उनके ऊपर ये रोल सूट कर रहा है जो फील्ड के साथ उनको दिया जा रहा है, अच्छा प्रोग्रेशन है, लेकिन मैं ये देखना चाहूँगा कि साथ के साथ फील्ड का जो कैरेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग दिखाना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि मैचेस जितवाना भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर इतना कुछ करने के बाद वो हार जाए
जाएगा तो उसके पीछे क्या ही सेंस बनेगी। इसके बाद हमें अगला क्वालिफायर मैच देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कीथ ली अगेंस्ट एलायस जो मैच हमें यहाँ पे देखने को मिला, और ऑब्वियसली हम जानते थे कि कीथ ली यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कीथ ली ने स्पिरिट बॉम्ब लगा के हरा दिया एलायस को, और जेफ हार्डी मैच के बाद आते हैं गिटार से अटैक करते हैं एक बार एलायस को, तो यहाँ पे दोनों आपस में एक दूसरे को गिटार से मारी जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक रीमैच इनके बीच में होने वाला है, कुछ गिटार वाली स्टिपुलेशन उसमें लगा देंगे, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी तक मैंने आपको बताया एज स्टाइल्स एंड कीथ ली जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं रॉ की सर्वाइवर सीरीज टैग टीम के लिए। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक और टैग टीम मैच, लेकिन इस बार एलिमिनेशन मैच था, और लोगों को लग रहा था कि इस मैच को करना चाहिए हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर, लेकिन ये था हर्ट बिजनेस अगेंस्ट रेट्रीब्यूशन। तो एमवीपी बॉबी लैशली, शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर अगेंस्ट टी बार, मुस्तफा अली, मेस एंड स्लैप जैक, ये चार बंदे हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई पता नहीं यहाँ पे रेकनिंग यानी कि मिया यिम जो है रेट्रीब्यूशन के अंदर वो एक्टिंग करती हैं कि जैसे पता नहीं उनके साथ कुछ हो रहा है, और एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से एमवीपी एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद बॉबी लैशली और टी बार ब्रॉल करते करते बैकस्टेज चले जाते हैं, और यहाँ पे डबल काउंट आउट की वजह से ये बंदे भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि 2-on-1 सिचुएशन बचती है अलेक्जेंडर एंड बेंजामिन अगेंस्ट मुस्तफा अली, और मुस्तफा अली जो है वो चेयर का यूज करते हैं और अटैक कर देते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर के ऊपर, और एक डिसक्वालिफिकेशन में मैच खत्म होता है और हर्ट बिजनेस उस तरीके से जीत जाती है। अब आई डोंट नो कि रेट्रीब्यूशन की बुकिंग के साथ यहाँ पे क्या चल रहा है, कब तक उनकी ये हर्ट बिजनेस के साथ फ्यूड चलेगी, लेकिन मेरे को देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कुछ बड़े प्लान्स हैं WWE के लिए। आई थिंक कि ज्यादा से ज्यादा इनको एक दो मैचेस जितवा दिए जाएंगे, क्योंकि इनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को बिल्ड नहीं करा जा रहा। मुस्तफा अली लीडर हैं, ये एक बड़ा सरप्राइज था, लेकिन उसके ऊपर WWE बिल्ड करने में थोड़ी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और उसके बाद प्रोमो में मुस्तफा अली बोलते हैं कि रेट्रीब्यूशन एक मिशन है और हम इस मिशन पे हैं जो कि डेफिनेटली कंप्लीट होगा, तो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या एक्चुअली में करने वाले हैं, लेकिन आज ये हमें देखने को मिला। इसके बाद मैच होता है गाइस ड्रू मैकइंटायर का मिज के साथ, ऑब्वियसली जो ओपनिंग सेगमेंट थी वहां से इस मैच को बनाया गया था, और ड्रू मैकइंटायर को भी यहाँ पे जीतना था, ये बात हम जानते हैं। क्लेम और किक लगा के उन्होंने मिज को हरा दिया, एक ठीक ठाक ये मैच हमें देखने को मिलता है। और आई थिंक यहाँ पे कि जो मिज का कैश इन है वो अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला, कुछ लोगों को लग रहा था कि आज ही कैश इन कर लेंगे या फिर सर्वाइवर सीरीज में कर लेंगे। आई थिंक WWE इसके लिए वेट कर रही है परफेक्ट टाइम के लिए, और काफी समय तक वो अपना जो है वो ब्रीफ केस अपने पास रखने वाले हैं, और उसके बाद ही हमें कुछ देखने को मिलेगा। अब एक और अच्छी चीज जो कि आज मैं देखना चाहता था रॉ पे पर हमें देखने को नहीं मिली, वो थे टकर। अब वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर है, और उन्होंने कल ही हील टर्न कराया ओटिस के ऊपर, तो उसका आगे आफ्टर मैथ क्या था, उसके आगे क्या होना चाहिए, उसके बारे में कुछ हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन सर्वाइवर सीरीज के कई सारे मैचेस आज रॉ पे अनाउंस कर दिए गए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा और मेन मैच जो होने वाला है शो पे वो होगा रैंडी ऑर्टन द WWE चैंपियन अगेंस्ट द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हु इज द यूनिवर्सल चैंपियन। तो ये बड़ा मैच है जो सर्वाइवर सीरीज में होगा, और जैसा कि मैंने कहा चैंपियन वर्सेस चैंपियन की पूरी थीम है, तो बॉबी लैशली अगेंस्ट सैमी ज़ेन हमको देखने को मिलेगा, आस्का अगेंस्ट साशा बैंक्स हमें देखने को मिलने वाला है, और जो टैग टीम चैंपियंस होने वाली है उसमें भी न्यू डे अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो हमें दो ट्रेडिशनल टैग टीम मैचेस देखने को मिलेंगे सर्वाइवर सीरीज के, एक मैन का एक वुमेन का, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा उसकी टीम के लिए। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्डअप करा जा रहा है। और ये जो सेगमेंट आज हमें देखने को मिली थी बैक स्टेज जिसमें आस्का थी, मतलब भाई बहुत फनी कमाल का आस्का जो है वो एक्टिंग करती है आके, और वह न्यू डे के बारे में बोल रही थी, उनका प्रोमो कट कर रही थी, बहुत हंसी आती है आस्का को देख के, एंड शी इज वेरी वेरी एंटरटेनिंग। इसके बाद बाहर आ जाते हैं एडम पियर्स, और वो अनाउंस करने वाले हैं यहाँ पे विमेंस की टीम जो कि होने वाली है सर्वाइवर सीरीज के लिए मंडे नाइट रॉ की तरफ से, और यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, वो सीधा बोलते हैं नाया जैक, शेना बेजलर, मैंडी रोज और डेना ब्रुक। तो ये दो टैग टीम्स जो है वो चार बंदे हो गए, और फाइनल पार्टिसिपेंट को जो है कंटेस्ट करने के लिए कि आखिर वो कौन होगा, एक फेटल फोर वे मैच हमें देखने को मिलता है जहां पे लाना, पेटन रॉयस, लेसी एवंस और निक्की क्रॉस, ये चार लोग थे, और लाना यहाँ पे जीत जाती हैं। और मैच के बाद वो ऐसा लगता है कि नाया जैक से गले मिलेंगी और दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया, लेकिन नाया उनको पकड़ती हैं और छठी बार अनाउंसर्स टेबल के थ्रू समोन ड्रॉप लगाती हैं। तो हम सोच सकते हैं यहाँ पे कि लाना क्या ही करने वाली हैं, और ये रॉ की जो टीम बनी है विमेन की, मतलब काफ़ी अजीब सी टीम है, देखते हैं कि स्मैकडाउन की तरफ से क्या होने वाला है और किस तरीके से शेपअप होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे वैसे क्वालिफिकेशन मैचेस नहीं थे जैसे कि हमें देखने को मिले मेंस की साइड से, और क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो आज फाइनल जो क्वालिफिकेशन मैच था वो था शेमस अगेंस्ट मैट रिडल, और मेरे हिसाब से इस पूरे शो पे सबसे अच्छा मैच था,
काफी कमाल का दोनों ने मैच लिया और सरप्राइजिंग था मेरे लिए यहाँ पे देखना कि शेमस इस मैच को जीत गए हैं। अब आई नो कि शेमस का यहाँ पे जीतना कुछ गलत नहीं था, लेकिन क्या मैट रिडल का हारना गलत था? और ये चीज मैंने आप लोगों से पूछी कि भाई ये जो मैचेस WWE ने आज बनाए हैं क्या ये सही थे, क्या ये होने भी चाहिए थे क्वालिफिकेशन मैचेस, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे शेमस जीत गए हैं, तो कीथ ली, एजे स्टाइल्स और शेमस बन गए हैं पहले तीन बंदे जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं रॉ की टीम के लिए। अब आखिर दो कौन होने वाले हैं वो आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में बताएं। और फाइनली शो के मेन इवेंट में मोमेंट ऑफ ब्लिस में आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन और वो कहते हैं भाई मुझे पता है कि फीन्ड यहाँ पे आने वाला है, मैं उससे डरता नहीं हूँ, अलेक्सा तुम उसे बाहर बुला लो। तो अलेक्सा कहती है ऐसा कोई मैं तुम्हारे लिए आज सरप्राइज नहीं लेके आई। और बाहर आ जाते हैं ड्रू मैकइंटायर जिन्होंने शो में पहले प्रॉमिस करा था कि वो भी मोमेंट ऑफ ब्लिस का पार्ट बनने वाले हैं। तो ड्रू मैकइंटायर यहाँ पे आते हैं और रैंडी ऑर्टन के साथ सीधा उनकी ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है और फिर मैकइंटायर जैसी क्लेमोर के लिए अपने आप को सेटअप कर रहे होते हैं, लाइट्स ऑफ होती हैं और हमें देखने को मिलता है जब लाइट्स वापस आती हैं तो पूरी रेड लाइट्स हैं ऑब्वियसली, और रैंडी ऑर्टन रैंप पे चले गए हैं ताकि वो बच सके मैकइंटायर से, लेकिन अनफॉर्चुनेट थे वो क्योंकि उनके पीछे खड़े थे द फीन्ड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन थे रैंडी ऑर्टन के पास, या तो वापस ड्रू मैकइंटायर के साथ जाके लड़ें या फिर पीछे मुड़ के फीन्ड के साथ जो है वो लड़ सकते हैं। तो ऑर्टन ने चुना यहाँ पे मैकइंटायर वाला ऑप्शन और वो पीछे भी नहीं मुड़ते, देखते भी नहीं है फीन्ड की तरफ, जबकि वो कह रहे थे मैं उनसे डरता नहीं हूँ, और वापस जाके लड़ना स्टार्ट कर देते हैं मैकइंटायर के साथ। और इन दोनों की ब्रॉल चल रही होती है जिस तरीके से शो हो जाता है यहाँ पे खत्म। तो क्लियर इंडिकेशन हमको मिल गई है यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजों की कि फीन्ड वर्सेस रैंडी ऑर्टन अगली मेजर फ्यूड होने वाली है WWE चैंपियनशिप के लिए, और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि ऑब्वियसली ब्रे वायट वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स है शो के ऊपर, अभी उनको ड्राफ्ट करा गया है और शायद उसका मेजर रीजन ही यही था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियनशिप पिक्चर से बाहर नहीं गए हैं और WWE ने बात ठान के रखी है कि एक बार फिर से फ्यूचर में उनको चैंपियन बनाना है, प्रोबेबली उस समय जब क्राउड हमें वापस अरीनास में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आज का जो मंडे नाइट रॉ का शो था गाइस एक अच्छा शो था, कुछ चीजें अच्छी थी और कुछ चीजें बिल्कुल ही नॉनसेंस थी, जैसे कि 24/7 चैंपियनशिप और ये लाना वाला मैच जो हमें देखने को मिला, लेकिन कुछ ना कुछ जो बिल्ड हो रही है सर्वाइवर सीरीज में वो अच्छी हो रही है और इस साल का सर्वाइवर सीरीज का पेपर व्यू एक बड़ा शो बन सकता है। उम्मीद करेंगे कि स्मैकडाउन का शो बेटर हो इस रॉ के शो से, क्योंकि वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं जो मैं देखना चाहता हूं। पर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने ओपिनियन शो के बारे में मुझे कॉमेंट्स में डेफिनेटली बताएं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।